राम कुमार नाम है जी, संजय नगर रोहतक से, वार्ड नंबर 15 है। 5 जुलाई को मैंने डीसी साहब गया समाधान शिविर में, गंदे पानी की समस्या के बारे में एप्लीकेशन दी थी, प्रार्थना पत्र। उन्होंने मार्क कर दिया एक्शन पब्लिक हेल्थ को। एक्शन पब्लिक हेल्थ ने बल्कि मेरे साथ ये कहा कि आपने मेरी क्यों दरखास्त दी गंदे पानी की, क्यों शिकायत करी? कोई समाधान नहीं करे, कोई पूछने तक आया नहीं, पीना तो दूर, इतना गंदा पानी आ रहा है बदबूदार शिविर का छड़ा हुआ। अब हम कहाँ जाए, हमारे चर्म रोग और बीमारियाँ लग गई उस गंदे पानी से। अब दोबारा फिर मैं डी साहब से फिर पेश हुआ हूँ। 25 दिन के बाद मैंने दोबारा रिमाइंडर दिया है, अक्सर ये इसका तो समाधान तो क्या दूर है, उसको देखने तक पूछने तक नहीं आया आपका क्या पोजिशन है, आगे मेरा पानी देखिए काला शाह है सारे बर्तनों में, कहाँ जाए हम? तो डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने लिखा हो जाएगा, ये आश्वासन दिया। बताओ, आश्वासन तो पहले भी मिले हमें 5 तारीख को, आज फिर 25 दिन के बाद फिर आ रहा हूँ, आश्वासन से काम थोड़ी चलेगा। नमस्कार जी, मैं मनरेगा वर्कर गांव सामण में जिला रोहतक ब्लॉक महम। पिछले कई वर्षों से मनरेगा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। गांव का सरपंच ABPO दीपक, BDO महम एवं कुछ यासीओ ऑफिस के भी कर्मचारी मिले हुए हैं। हमारे गांव में पिछले लंबे समय से मनरेगा का कार्य नहीं चल रहा, जिसकी हम लिखित में BDO साहब को, CO साहब को, DC साहब को, मुख्यमंत्री जी को, यहाँ तक कि ये जो हमारा समाधान शिविर जो रोहतक में चला हुआ है, यहाँ पर भी हमने 2-3 बार जो है ना अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, जो कि हमारा आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सैकड़ों मजदूरों ने मनरेगा पे जो लोकपाल बिठा रखा है जिला रोहतक में, उसके पास भी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, और हमें पिछले वर्ष इतनी शिकायतें देने के बाद भी पिछले वर्ष जुलाई माह में काम दिया था, एक वर्ष पहले 8 दिन का काम, और 8 दिन की हमें जो है 683 रुपये मजदूरी दी गई है, केवल 683 रुपये 8 दिन की, जबकि हमारे से मस्टोल पर 2856 रुपये के हस्ताक्षर करवा लिए, और हमारे बढ़ते भी इतने ही हैं 2856, और हमारे खातों में जो है 683 रुपये डाले गए, जिसका आज तक हमें कोई भी न्याय जो है नहीं मिलता। जिला स्तर तक कोई भी अधिकारी हमारी समस्या का समाधान नहीं करता। मेरी आप सभी से, उच्च अधिकारियों से फिर पुरजोर अपील है, DC साहब के पास भी हमने जो है पहले भी 8-10 बार ये शिकायत दी, और 2 बार तो यहाँ समाधान शिविर में भी दर्ज करवाया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ है। इसके अलावा एक समस्या और है गांव सामण की, गांव सामण ब्लॉक महम जिला रोहतक में 6 सरकारी स्कूल हैं, उसमें 13 मिड डे मील वर्कर लगी हुई हैं। मैं पवन कुमार अनुसूचित जाति से हूँ।